फीलिंग यू नो जैसे फर्स्ट डे थी वैसे ही है, क्योंकि द सिंसियरिटी एंड द कमिटमेंट लेवल और वो जितना शुरू में था उतना अभी तक मेंटेन रहा है लकीली, यू नो तो उतनी ही सिंसियरिटी से थ्रू आउट द जर्नी काम किया है, तो बहुत अच्छा लगा. इट्स अ गुड फीलिंग टू हैव. देन फर्स्ट डे भी मैं से कुछ बहुत हैप्पी या बहुत एक्साइटेड या बहुत सैड नहीं थी. आई वॉज प्रिटी न्यूट्रल बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि ये जर्नी कहाँ लेके जाती है. तो आई एम एक्चुअली ऑन द सेम पेज एज माई फर्स्ट डे, कि मैं अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत दुखी हूँ. आई एम न्यूट्रल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे कैसा जर्नी है मेरी लाइफ की, क्योंकि ये जर्नी बहुत खूबसूरत रही है. सो दिस हैज़ बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. वेल आई डोंट नो, साइको क्योंकि यू नो ऑल माई फ्रेंड्स दे आर प्रीटी मच ऑलरेडी दे हैव लेफ्ट, सिद्धार्थ बोर्डके और योगेंद्र और मिताली नाग. सो किशोरी मैम कंटिन्यू कर रही हैं, तो किशोरी मैम को मैं मिस करूँगी. मेरी प्रोडक्शन टीम के जो फ्रेंड्स हैं उनको मिस करूँगी, सैंडी सर, रिची सर, पंकज सर, सिद्धार्थ सर. बट या बाकी प्रीटी मच ऑल माई फ्रेंड्स आर आउट ओनली, तो आई एम जॉइनिंग देम. नहीं, मेरी कुछ छूट नहीं हुई है अभी तक उनके साथ, ऐसा यू नो देर इज़ नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. मैं मिली नहीं हूँ उनसे, बट मेरी भाविका से डेफिनेटली बात हुई है. मैंने यू नो उनके लिए वेलकम पोस्ट डाला था, तो भाविका हैड रिस्पॉन्डेड एंड उन्होंने नए प्रोमो के बारे में बात करी एंड आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर एंड आई टोल्ड हर इट्स रियली नाइस. सो शी इज़ लाइक सो शी इज़ एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर एंड फॉर एवरीबडी एल्स. तो आई होप यू नो आप मतलब आई वॉन्ट कि सब लोग जितना प्यार हमें दिया है उतना ही प्यार उनको भी दें, और उतना ही पेशेंस उनके साथ रखें जितना हमारे साथ रखा है थ्रू आउट द जर्नी. बहुत सारा प्यार दिया है. यार यू नो बहुत बहुत ब्लेस्ड फीलिंग है वो, टू बी टू हैव हर एसोसिएशन विद द शो और शो के थ्रू उनको जान पाना, उनसे रूबरू हो पाना, उनको हमारे नाम पता होना, हमारा काम पता होना, उस पर उनके यू नो वो अपने थॉट्स अपने जो भी यू नो उस पर वो हमें गाइड भी करती हैं पर्सनली एंड यू नो वो इतना प्यार दिखाती हैं, प्यार देती हैं. तो आई हैव बीन वेरी लकी, द शो हैज़ बीन वेरी लकी एंड पर्सनली आई फील आई हैव बीन वेरी लकी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली उनसे मिलने की, उनसे गाइडेंस लेने की, उनका प्यार उनके दिल में जगह पाने की. तो वेरी वेरी हैप्पी एंड आई होप कि यू नो आगे जो अभी नया प्रोमो आया है, जो नई जनरेशन आ रही है, और रेखा मैम ने उतने ही प्यार से उनको भी यू नो इंट्रोड्यूस किया है. आई विश देम ऑल द लक. या बहुत सारे DMs आ रहे हैं, यू नो बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं, देर आर सो मैनी मैसेजेस, देर सो मैनी या बहुत स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, रील वीडियोज एंड या काफ़ी यू नो लाइक आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट गुम है किसी के प्यार में इज एन इमोशन फॉर द फैंस. सो व्हेन एनीबडी कोई भी बहुत जज्बाती होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, तो उनका गुस्सा हो, फिर उनका प्यार हो, फिर उनका कुछ भी हो, यू शुड बी एक्सेप्टिंग टू इट विद ओपन आर्म्स, क्योंकि वो इमोशनल है. तो आई अंडरस्टैंड कि वो किस उससे गुजर रहे हैं एंड आई फील वेरी वेरी बैड फॉर इट, बट दैट इज़ हाउ इट इज. सो या जो भी हम काम करते हैं, बहुत सारी मेमोरीज शेयर करते हैं, बहुत सारे बॉन्ड्स बनते हैं, बहुत सारी
यू नो पूरी जर्नी बहुत मेमोरेबल है क्योंकि यू नो दिस जर्नी हैज बीन अ कांस्टेंट रोलर कोस्टर. इस जर्नी में बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स भी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स हैं हमारा लॉन्च से लेकर व्हेन एवरीबॉडी वाज टुगेदर इन द पार्टी. देयर आर देयर बीन सो मेनी फन मोमेंट्स. यू नो मेरा हमारा पुराना सेट था उस पर एक झूला गार्डन चवान निवासी गार्डन में एक झूला था तो वहाँ बैठकर हम लोग गप्पे मारते थे, शाम इंजॉय करते थे. देन लीप हुआ, बच्चों ने ज्वाइन इन किया एंड यू नो अरु के साथ इतना प्यारा बॉन्ड है. बहुत सारे फन मोमेंट्स सिद्धार्थ के साथ या विक्रम के साथ एंड मिताली मैम के साथ, किशोरी मैम के साथ, सबके साथ, भारती मैम, सलेश सर, एवरीबॉडी. बहुत सारे फन मोमेंट्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस. यू नो वी स्टूड बाय ईच अदर थ्रू. जब हमारा सेट बर्न डाउन हो गया तो वो बहुत डिफिकल्ट मेमोरी था, बहुत डिफिकल्ट टाइम था. उसके बाद सब बंजारों की तरह परफॉर्म कर रहे थे अपना कैरवान लेके, तो वो भी डिफिकल्ट था लेकिन क्योंकि सब साथ में थे तो वो भी यू नो हंसते हंसते टाइम निकल गया. तो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी, इट्स बीन अ रोलर कोस्टर राइड. ऑनेस्टली इट्स बीन अ वेरी वेरी एंड पर्सनली मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट ये मेरे लिए बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था फ्रॉम ज्वाइनिंग एन एक्सपीरियंस्ड कास्ट ऑफ सच ब्रिलियंट एक्टर्स फ्रॉम बींग दैट किड इन अ टॉय स्टोर. कि मैं पहली बार आई थी एंड आई वॉज लाइक दिस किड इन अ टॉय स्टोर एंड देन टू लर्निंग फ्रॉम देम एंड ऑडियंस का इतना प्यार मिलना, ऑडियंस का इतना एसोसिएट होना, फैंस का इतना प्यार मिलना, यू नो हर चीज़ उस चीज़ को हैंडल करना कि कोई अगर हर्ट है तो उस चीज़ को कैसे टैकल करना है. आप नहीं जानते उन्हें, आप मिले नहीं हो उनसे, लेकिन दे हैव सर्टेन आइदर एक्सपेक्टेशन और एनीथिंग. तो वो चीज़ यू नो बहुत बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है और बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है. तो कुछ एक पर्टिकुलर मेमोरी बोलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए. नहीं अभी तो ऐसा कुछ भी मैंने डिसाइड नहीं किया है, कुछ ऐसा नहीं है अभी तो. मेरा सबसे पहला कल का जो मैंने लाइन अप किया है वो है बहुत सारी नींद या बिना अलार्म के उठना तो वो मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन है बहुत दिनों के बाद. और जब से ये जो पोर्शन हम पूरा चंक शूट कर रहे थे, हमारी नाइट शिफ्ट थी तो वी वर शूटिंग थ्रू आउट द नाइट टिल मॉर्निंग एंड फिर उसमें फिर शाम को आ जाते. नाइट शिफ्ट का मतलब होता है शाम को शुरू हो जाते हो काम पे. तो इट इज़ लाइक हैविंग दिस मच टाइम इन योर हैंड द डे विच गोज इन टू स्लीपिंग ओनली. तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था. बारिश इंजॉय करने को मिलेगी. मेरा कल का दूसरा लाइन अप है बारिश इंजॉय करना क्योंकि अब मैं बेखौफ होके भीग सकती हूँ, बीमार पड़ूँ तो चलेगा, मेरा काम नहीं रुकेगा, किसी का काम नहीं रुकेगा, शूट नहीं रुकेगी. वरना पिछले दो मॉनसून मैं भीगी नहीं हूँ इस डर से कि यू नो बीमार पड़ जाएंगे. वैसे ही हेक्टिक शेड्यूल रहता है बट अब भीगने का मौका मिलेगा एंड बस छत पे जाना है और आसमान को ऐसे बस. वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. लास्ट डे तो अभी है शूट का तो लेट्स सी. आई एम श्योर यू नो जैसे जैसे आप आ रहे हैं तो एवरीबडी इज़ वेरी इमोशनल एंड एवरीबडी इज़ लुकिंग एट ईच अदर विद गूगली आईज एकदम. तो यू नो काफ़ी इमोशनल है सब बट आई एम वेरी हैप्पी कि जो तो कल जो हमने चंक शूट किया था वो काफ़ी इमोशनल था मेरा और नील सर का एंड जो हमारा आखिरी बार कमिंग टुगेदर है वो काफ़ी इमोशनल चंक था कल. तो आई एम वेरी हैप्पी कि वो लास्ट डे ऑफ शूट नहीं था एंड लास्ट डे ऑफ शूट इज़ अ हैप्पी मेमोरी. आई एम वेरी सॉरी
कि ऑडियंस को नहीं मिली कोई यू नो द हैप्पी एंडिंग इज नॉट सेराटी ऐसा, बट फॉर अस एक्टर्स हम जो चंग शूट करने चाह रहे हैं वो बहुत लाइट हार्टेड है, हैप्पी है, इट्स नाइस, सो वी विल यू नो विल डू दैट हैप्पीली एंड देन ऑब्वियसली आई थिंक एवरीबडी विल गेट इमोशनल. So let's see how the day ends. But I'm very happy that it's not a sad chunk that we are shooting. It's a happy chunk that we are shooting. And I remember my first shot was a happy happy scene with my father, Sanjay sir ke saath tha. So bahut hi important, bahut hi emotional aur bahut hi happy zone ka wo scene tha and positive scene tha. एंड ये जो हम सीक्वेंस शूट करेंगे ये भी पॉजिटिव सीक्वेंस है, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो इट्स कमिंग टू अ सर्कल. नो सच फ्यूचर प्लान्स, आई एम ओपन टू एवरीथिंग. अभी जो भी आ रहा है ऑफर, वी आर गोइंग थ्रू इट एंड एंड फिर जो भी बेस्ट मुझे लगेगा कि मैं मुझे करना चाहिए, जो भी इंटरेस्टिंग लगेगा वो मैं करूँगी. फैंस सई को मिस करेंगे, आई एम श्योर सई भी फैंस को बहुत मिस करेगी. एंड यू नो इतना सारा प्यार आपने सई के किरदार को दिया, इतना सारा प्यार आपने गुम को दिया, इतना सारा प्यार आपने आयशा को दिया जितना मैं सोच भी नहीं सकती थी, तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस बात की. और ये जर्नी खूबसूरत इसलिए बन पाई क्योंकि आप लोग हमेशा साथ रहे, आपने हमेशा हमें सपोर्ट किया. यू नो मैं आपके गुस्से को, आपके प्यार को, हर चीज़ को सर आँखों पर रखती हूँ. थैंक यू सो मच. आई एम ऑलवेज हियर राइट देयर फॉर यू. आप मुझे एज सही DM करेंगे या मैसेज करेंगे या मेल करेंगे या मिलेंगे, यस आयशा, या अगर मैं कोई और किरदार निभाती हूँ तो उस किरदार से, बट आई एम ऑलवेज देयर. आप जब भी अपनी सही को मिस करें मुझे टेक्स्ट करें, नॉट अ प्रॉब्लम. My pleasure. Thank you.